नमस्कार मेरे 2 करोड़ टैक्स भरने वाले भाई बहनों, आपका बीड़ा मैंने ही उठाया है क्योंकि आई नो हम टैक्स पेयर्स की आवाज़ तो कोई सुनेगा नहीं बिकॉज क्लियरली वी आर नॉट द वोट बैंक। लेकिन आज बात करेंगे हर स्टॉक कुछ कहता है मैं बजाज फाइनेंस इन जनरल। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, देर इज़ नो बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक का भाव भगवान है तो भाव क्या कहता है। सो बजाज फाइनेंस की तो सिंपल कहानी ये है कि कितने सारे मेरे इन्वेस्टर्स मुझे मिलते हैं और हमेशा अपना दुखड़ा बताते हैं कि हमने 400 रुपये पे लिया था, 1200 पे बेच दिया, कोई कहता है 2000 पे लिया था, 5000 पे निकाल दिया। लेकिन मेरे को लगता है यही कहानी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। इवेंचुअली हम लोग ना 10 साल बाद यही बातें कर रहे होंगे जियो फाइनेंस की। दोनों स्टॉक्स में बेमतलब कंपैरिजन होता है, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी कंपैरिजन। जियो हैज़ अ लार्जर बिजनेस मॉडल, इट हैज़ अ बिगर विजन, बिगर देन वन ऑफ द विजन फंड्स दैट यू कीप कमिंग अक्रॉस। काफ़ी बड़ा विजन है जियो का, और जियो इतना कोई छोटा मोटा प्ले नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर लेंडिंग में करेंगे, वो आगे जाके वॉलेट्स में घुसेंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में और सुविधा देंगे। एनी थिंग एंड एवरी थिंग टू डू, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, विथ AMCs, डिजिटल एसेट्स, फाइनेंस, ऑल ऑफ दैट जियो कैन गिव यू। तो वो बहुत बड़ा प्ले है एंड इट इज़ बैक्ड बाई वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द कंट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप कंपेयर मत कीजिए दोनों को, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ अच्छी है तो दूसरी चीज़ ख़राब होनी चाहिए इन स्टॉक्स। आई थिंक नाउ इट इज़ एट 300, थोड़ा करेक्शन वॉरेंटेड है, बट इवेंचुअली जियो कैन रीच द सेम लेवल, अगले 5-10 साल में कहीं भी पहुँच सकता है। मुझे लगता है एटलीस्ट अभी जो रिलायंस का भाव है 2800-2900, अगले 5 साल में डेफिनेटली जियो कैन रीच। लेकिन ये परेशान करेगा आपको स्टॉक, ये बीच में 250 पे आ सकता है, फिर ये 700 पे जाएगा, फिर कोई 700 पे चढ़ेगा और फिर से ये 350 पे आ जाएगा। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी एंड स्टॉक्स यही कहानी कहेंगे। बजाज फाइनेंस ने खुद अपने जर्नी में कितनी बार लोगों को करेक्शन दिया है, कोविड के टाइम पे तो इट हैड कम टू 1800, बट अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे ना, वो हर करेक्शन से ऊपर स्ट्रॉन्गर उठा है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ क्वालिटी स्टॉक। अच्छे स्टॉक की ब्यूटी वही है। खैर, लेट अस सी व्हाट आर दी अदर इश्यूज अफेक्टिंग टैक्स पेयर्स एंड लेट अस सी इफ वी हैव अ वॉइस। 2 करोड़ टैक्स पेयर हैं जो पूरा देश चलाते हैं और फंड करते हैं, और फिर भी हमें टोल भरना है, हमें GST देना है और सब कुछ देना है। ये बात बहुत चुभती है गाइस, आई नो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू, जिस तरह पॉलिटिशियंस अपने अंदर का वोटर उजागर करते हैं, वैसे ही मैं अपने आपके अंदर का टैक्स पेयर उजागर कर रहा हूँ। बहुत जल्द इस पर शायद आप हमारा एक दूसरा भी चैनल देखोगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रॉफिटिंग।